Hello my dear friends, welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Waseem I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today's point of discussion will be Section 153A and Section 153B of Indian Penal Code 1860, which is dealing with the punishment for the offense if the person promotes any kind of enmity between the groups on the basis of religion, race, caste, place of birth. Section 153A और Section 153B आज के lecture में हम discuss करने वाले हैं, जो deal करता है कि अगर कोई person किसी group में, दो group में अगर दुश्मनी फैलाने की कोशिश करता है, कौन से बेस पे? एक तो रिलीजन के बेस पे दुश्मनी फैलाने की कोशिश करता है, या कास्ट के बेस पे, या रेस के बेस पे, या प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे, तो ऐसा पर्सन के लिए पनिशमेंट क्या होगी, प्रोसीजर क्या होगा, आज के हम लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस सेक्शंस पर पूछे गए क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस सेक्शंस पर पूछ सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Offences against the public tranquility, section 153A and 153B, Indian Penal Code. So, promoting enmity between different group on ground of religion, race, place of birth, residence, language, and doing acts prejudicial to maintenance of harmony, section 153A. Whoever, जो कोई भी, by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise promotes or attempt to promote on ground of religion, race, place of birth, residence, language, caste or community or any other ground whatsoever disharmony or feeling of enmity, hatred or ill will between different religious, racial, language or regional groups or caste or communicates. So, कोई भी पर्सन रहने दो, अगर वो अपने वर्ड्स के जरिए, आप चाहे वो लिखित रूप में हो या ओरली उसने बोला हो, या बाय साइन के जरिए, या कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन है, अब उसके एक्ट के जरिए अगर वो, और वो प्रमोट क्या कर रहा है, अपने वर्ड्स के जरिए, अपने स्पीच के जरिए प्रमोट क्या कर रहा है, और प्रमोट कर रहा है इनमिटी, और इनमिटी किस बेस पे, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, है ना। दो ग्रुप है, दो ग्रुप के बीच में अगर कोई पर्सन बाय वर्ड्स अगर स्पीच दे रहा है और उस स्पीच के जरिए दो ग्रुप के बीच में नफरत फैला रहा है या दुश्मनी फैला रहा है, कौन से ग्राउंड पे, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, अगर रिलीजन के बेस पे दो रिलीजन में अगर दुश्मनी फैलाने का, नफरत फैलाने का अगर कोई काम कर रहा है, या रिलीजन के बेस पे नहीं बल्कि रेस के बेस पे, है ना, कि इसकी रेस ये है, इसकी जात ये है, दूसरा प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे अगर दो ग्रुप के बीच में अगर वो एनमिटी पर दुश्मनी फैला रहा है, नफरत फैला रहा है, या रेसिडेंस के, प्लेस ऑफ रेसिडेंस के बेस पे, या लैंग्वेज के बेस पे दो ग्रुप में अगर कोई इनमिटी फैलाता है, या कास्ट के बेस पे, या कम्युनिटी के बेस पे, तो जो पर्सन भी अपने एक्ट के जरिए, अपने बोलने के जरिए, अपने रिटन आर्टिकल के जरिए दो ग्रुप के बीच में रिलीजन को लेकर नफरत फैलाता है, कास्ट को लेकर नफरत फैलाता है, प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर नफरत फैलाता है, तो क्या होगा, नफरत फैलाने वाला जो भी पर्सन है वो, या कमिट्स एनी एक्ट विच इज प्रीजुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ हार्मोनी बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस, क्या ऐसा कोई एक्ट करता है जो कि दो डिफरेंट रिलीजन के, अलग अलग मजहब को मानने के, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों के बीच में डिसहार्मोनी फैला रहा है, समझ रहे, हार्मोनी जो मेंटेन करने का है, जो पीस मेंटेन होता है दो धर्मों के बीच में, उस पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट रिलीजन, रेशियल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप्स
और कास्ट और कम्युनिटीज एंड विच डिस्टर्ब्स और इज लाइकली टू डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, जिसके जरिए पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो रहा है। मैंने अगर कोई बात कही जिस बात के चलते दो ग्रुप में नफरत फैल रही है, दो धर्म में नफरत फैल रही है, तो और जिसके वजह से पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो रहा है, तो सिचुएशन में क्या होगा। और एक चीज है जो इस सेक्शन में आएगी, ऑर्गेनाइजेस एनी एक्सरसाइज मूवमेंट ड्रिल और अदर सिमिलर एक्टिविटीज इंटेंडिंग दैट द पार्टिसिपेंट इन सच एक्टिविटी शैल यूज और बी ट्रेन टू यूज क्रिमिनल फोर्स और वायलेंस अगेंस्ट एनी रिलीजियस रेशियल लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप और कास्ट और कम्युनिटी। या कोई पर्सन ऐसी ड्रिल ऑर्गेनाइज कर रहा है या ऐसी मूवमेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई चीज सिखा रहा है जो चीज सिखाने का मकसद यह है कि दो धर्म के बीच में वो, फॉर एग्जाम्पल एक धर्म वालों को वो सिखा रहा है कुछ ऐसी चीज के वो सिखाने के बाद वो दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट में क्रिमिनल फोर्स यूज करेंगे, वायलेंस यूज करेंगे, समझ रहे हो। तो ऐसा एक्ट अगर कोई पर्सन का है, कोई पर्सन बाय वर्ड्स अगर किसी पर्सन के बीच में हारमोनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, रिलीजन के बीच में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहा है, कोई एक्ट सिखा रहा है जिसके चलते वो क्रिमिनल फोर्स यूज करेंगे दूसरे क्रिमिनल ग्रुप के अगेंस्ट में, सॉरी रिलीजियस ग्रुप के अगेंस्ट में, एंड सच एक्टिविटी फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर causes or is likely to cause fear or alarm or a feeling of insecurity amongst member of such religious, racial or language or regional group or caste of community. तो फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन किसी रिलीजन के या किसी ग्रुप ऑफ पीपल को ऐसे चीज सिखा रहा है जो चीज सिखाने की वजह से दूसरे ग्रुप के लोगों में या दूसरे रिलीजन के लोगों में डर फैल रहा है कि आप ये जो सीख रहे हैं हमारे अगेंस्ट में यूज करेंगे, अगर ऐसा है तो क्या होगा। Shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine or with both. तो ऐसा person जो लोगों के बीच में नफरत फैला रहा है धर्म के बेस पे, कास्ट के बेस पे, या कुछ लोगों को ऐसी चीज सिखा रहा है कि जो दूसरे मजहब के अगेंस्ट में यूज होंगे एज अ क्रिमिनल फोर्स, तो जो ये चीजें सिखा रहा है वो पर्सन को पनिशमेंट होगी imprisonment which may extend to 3 years or with fine or with both. तो 3 साल तक की सजा, फाइन या दोनों हो सकता है। देन सब क्लॉज 2, ऑफेंसेस कमिटेड इन प्लेस ऑफ वर्शिप। सो हूएवर कमिट्स एन ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 इन एनी प्लेस ऑफ वर्शिप और इन एनी असेंबली एंगेज्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप और रिलीजियस सेरेमनीज शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 5 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। यही जो एक्ट नफरत फैलाने का है या जो कुछ एक्ट सिखाने का है, अगर ये प्लेस ऑफ वर्शिप में होता है तो उस सिचुएशन में जो पर्सन ये एक्ट करेगा उसको 5 साल तक की सजा और वो फाइन के लिए भी लायबल रहेगा। उत्तर प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 प्रोमोटिंग इनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑन रिलीज ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन प्लेस ऑफ बर्थ रेसिडेंट लैंग्वेज एंड डूइंग एक्ट प्रिजुडिशियल टू मेंटेनेंस ऑफ हारमोनी हैज बीन डील्ड विथ सेक्शन 153, 153A, 153B, 154. सेक्शन 153 इज अ करेक्ट आंसर। नाउ सेक्शन 153B, इम्प्यूटेशन असर्शन प्रिजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन। सो हूएवर बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन अदरवाइज, जो कोई भी कुछ कहकर कुछ लिखकर या अपने एक्ट के जरिए या साइन के जरिए क्या कर रहा है, make or publishes any imputation that any class of person cannot by reason of their being member of any religious, racial, language or regional group or caste or community bear true faith and allegiance to the constitution of India as by law establish or uphold the sovereignty or integrity of India or asserts, counsel, advise, propagates or publish that any class of person by reason of their being a member of any religious, racial, language or regional group or caste or community be denied or deprived of their rights as a citizen of India. समझ रहे हो कि अगर कोई person अपने लिखित रूप में या अपने speech के जरिए अगर ऐसा कोई publication करता है या ऐसा कोई चीज बोलता है कि ये जो person है ये that any class of person cannot, ये पर्सन ये नहीं कर सकते क्या, बाय रीजन ऑफ देयर बीइंग मेंबर ऑफ अ रिलीजियस,
कि ये पर्टिकुलर रिलीजन से, ये पर्टिकुलर कास्ट के, ये पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं, ये पर्टिकुलर रीजनल ग्रुप है, ये रीजन से ताल्लुक रखते हैं, ये कास्ट के, ये कम्युनिटी के है, तो और कि ये जो पर्सन है ये कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीफ नहीं रखते हैं। समझ रहे हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो सॉवरेनिटी की बात करता है, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की बात करता है, ये लोग इसमें भरोसा नहीं करते हैं। ऐसा अगर कोई बोलता है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि ये ग्रुप ऑफ पीपल है और ये ग्रुप ऑफ पीपल कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, ये रिलीजन के लोग कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, ये कास्ट के लोग कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, ये लैंग्वेज के लोग कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, ऐसा अगर मैं बोलता हूं तो मेरे लिए पनिशमेंट सेक्शन 153 बी में होगी। या ऐसा कोई पर्सन अपने स्पीच के जरिए ये कह रहा है, ये एडवाइस कर रहा है, ये प्रोपोगेट कर रहा है, ये पब्लिश कर रहा है, क्या दैट एनी क्लास ऑफ पर्सन बाय रीजन ऑफ देयर बीइंग मेंबर ऑफ रिलीजियस रेशियल लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप और कास्ट और कम्युनिटी बी डिनाइड और रिप्राइड ऑफ देयर राइट्स एज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये लोग है, ये रिलीजन के लोग है, ये रिलीजन को इंडिया का सिटीजन होने का अधिकार नहीं है, ये सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए, इनको इनकी सिटीजनशिप छीन लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रिलीजन को बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये कास्ट को बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज बोलते हैं। ऐसे पर्सन की जो सिटीजनशिप है वो इनको छीन लेना चाहिए, इनको डिप्राइव करना चाहिए, ऐसा बोलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि ये ग्रुप ऑफ पीपल है, इनसे जो सदस्यता है इंडिया की, जो सिटीजनशिप है वो छीन लेनी चाहिए, तो मैं जो बोल रहा हूँ मेरा एक्ट पनिशेबल है सेक्शन 153 बी में। या मेक्स और पब्लिश एनी असर्शन कौंसल प्ली और अपील कंसर्निंग द ऑब्लिगेशन ऑफ एनी क्लास ऑफ पर्सन बाय रीजन ऑफ देयर बीइंग अ मेंबर ऑफ एनी रिलीजियस रेशियल लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप और कास्ट और कम्युनिटी एंड सच असर्शन कौंसल प्ली और अपील्स कॉजेस और इज लाइकली टू कॉज डिसहारमोनी और फीलिंग ऑफ एनमिटी और हेट्रेड और इल विल बिटवीन सच मेंबर एंड अदर पर्सन। या कोई पर्सन अपने एक्ट के जरिए दो लोगों के बीच में या दो ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में हेट्रेड निर्माण करता है, नफरत निर्माण करता है, इल विल डेवलप करता है, तो ऐसे पर्सन को क्या होगा? ही शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years और विथ फाइन और विथ बोथ। तो उसे 3 साल तक की सजा, फाइन और दोनों भी हो सकता है। वेयर हूएवर कमिट्स एन ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 इन एनी प्लेस ऑफ वर्शिप और इन एनी असेंबली एंगेज इन द परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप और रिलीजियस सेरेमनीज शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। वही एक्ट रिलीजियस वर्शिप में अगर वही स्पीच दे के हेट्रेड निर्माण करता है, नफरत फैलाता है, या ये कहता है कि ये लोगों से सिटीजनशिप छीन लेनी चाहिए, या ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव नहीं करते हैं, ऐसा अगर स्टेटमेंट देता है रिलीजियस वर्शिप में, प्लेस ऑफ वर्शिप में फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे पर्सन को 5 साल तक की सजा और उसको फाइन भी इम्पोज होगा उस पर्सन के अगेंस्ट में। सो दिस इज सेक्शन 153A एंड 153B। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।